TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके MCQs देख रहे हैं। जहां भी डिस्कशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज TCP? अब TCP कौन कौन सी सर्विसेज यूज करती है, आप देखिए इसका जो उत्तर है वो है ये 2 और ये 3 और ये 5, यानी कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तीनों क्या यूज करते हैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है ये TCP/IP सूट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल है। व्हाट लेयर इन द TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल? अब आप देखिए जो OSI है, APST NDP, इसमें 7 लेयर है, TCP/IP में 4 लेयर है। ये तीनों कंबाइंड करके एप्लीकेशन हो गई है या प्रोसेस कहते हैं इसको। तो होस्ट टू होस्ट किससे रिलेटेड हो गई, ट्रांसपोर्ट से। तो होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट के इक्विवेलेंट है आपके OSI और TCP/IP में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द DHCP डिस्कवर मैसेज? अब DHCP है, मैं आपको डिस्कशन करूंगा अगले क्वेश्चन में जो आगे आएगा। इसमें ये डायनेमिक प्रोटोकॉल, मतलब बेसिकली IP एड्रेस डायनेमिकली लेने के लिए होता है। जैसे आप सिस्टम कनेक्ट करेंगे नेटवर्क पे, डायनेमिकली ये IP लेगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक पहले उत्तर बता दूं इसका। इसका उत्तर है ये पहला और ये दूसरा, यानी कि बी है इसका उत्तर ना। तो बेसिकली होता ये है कि जो क्लाइंट है वो आपका DHCP डिस्कवर मैसेज भेजता है ताकि वो IP पा सके। लेयर 2 लेयर 3 दोनों में, लेयर 2 जो होता है वो FFFE वाला भेजता है और लेयर 3 जो है वो 255.255, यहां पर आप छोटा सा देख रहे होंगे। इसका मतलब सारे नेटवर्क्स और सारे होस्ट, इसका मतलब यही होता है। अब DHCP जो है ये आपका कनेक्शन लेस है, इसका मतलब ये है कि ये UDP यूज करता है। UDP कनेक्शन लेस नॉन रिलायबल अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। यू वॉन्ट टू इंप्लीमेंट अ मैकेनिज्म दैट ऑटोमेट्स द IP कॉन्फिगरेशन इंक्लूडिंग IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड DNS इंफॉर्मेशन, विच प्रोटोकॉल विल यू यूज टू अकम्प्लिश दिस? अब ऑटोमेशन की बात चल रही है, मैंने आपको जो बताया था कि जो DHCP का मतलब ही ये है, DHCP का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, इसका उत्तर वैसे ये है सी है। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP, ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो आपके IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स में यूज होता है ताकि डायनामिकली IP एड्रेस आप अलोकेट कर सके, अपने आप ले लेता है वो। और इसके अलावा भी बाकी जो पैरामीटर्स हैं जो यहां पर देख रहे हैं वो भी वो ले लेता है। इसमें एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर मैं आपको पहले उत्तर बता दूं, ये है सी इसका, DHCP ये यूज होता है। अब DHCP में थोड़ा सा और डिस्कशन करें, जैसे मैंने कहा कि जो भी होस्ट या जो भी कंप्यूटर सिस्टम आप लगाएंगे नेटवर्क में वो डायनेमिकली IP एड्रेस लेगा नेटवर्क सर्वर से। मैंने बताया क्लाइंट सर्वर का मॉडल यूज होता है उसमें। इसका मतलब यह है कि हर बार जब लगाएगा हो सकता है उसको नया एड्रेस मिले, क्योंकि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का मतलब ये भी है। इसमें होता यह है, जैसे DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा जाता है, तो DHCP सर्वर जो होता है वो DHCP ऑफर के तौर पे रिस्पॉन्ड करता है, होस्ट IP एड्रेस रिक्वेस्ट करता है DHCP रिक्वेस्ट से और सर्वर इसको फाइनली DHCP एक करके वापिस भेजता है एक्नॉलेजमेंट। Which of the following is private IP address? Private IP address. अब देखें जो क्लास A से लेकर E तक है, इसमें हमारे पास पब्लिक एड्रेस के रेंज है और कुछ प्राइवेट एड्रेस के रेंज है। तो कौन सा है इसमें, इसमें पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर जो है वो ये है D। अब क्यों इसमें आ रहा है, क्योंकि आप इस रेंज में देखिएगा, क्योंकि क्लास A कहां तक जाता है, 10.000 से लेकर 10.255 255 255, क्लास बी 172.16.00 से लेकर 172.31.25 255 255, क्लास सी जाता है 192.168.00 और 192.168.255 255। तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है ना, इसीलिए ये प्राइवेट एड्रेस IP एड्रेस।
Which of the following allows a router to respond to ARP request that is intended for a remote host? देखिए इसका उत्तर जो है वो है प्रॉक्सी एआरपी। अब ये इसका डिस्कशन में आपको जरा दे देता हूं। जो प्रॉक्सी एआरपी है वो ऐसी तकनीक है जिसमें जो प्रॉक्सी सर्वर है एक नेटवर्क में, ये एआरपी यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्वेरीज को जवाब देता है जो आईपी एड्रेस के लिए जो उस नेटवर्क में नहीं है। ये जो प्रॉक्सी है ये इसको पता रहता है या ये जानकारी रखता है उस जगह की लोकेशन की, ट्रैफिक डेस्टिनेशन की, और ये अपना मैक एड्रेस एज ए डेस्टिनेशन दे देता है। तो इसका उत्तर क्या हुआ आपका? सी, प्रॉक्सी आरपी। तो फिर से बता देता हूं, जो प्रॉक्सी आरपी है ये मशीनों को या सिस्टम्स को हेल्प करता है एक सबनेट पे, उन रिमोट सबनेट पे जाने के लिए बगैर कॉन्फ़िगर करने के, क्योंकि राउटिंग और या फिर डिफॉल्ट गेटवे यूज करने के बगैर ये आपको मदद कर देता है। द डीओडी मॉडल ऑल्सो कॉल्ड द टीसीपीआईपी स्टैक हैज फोर लेयर्स। विच लेयर ऑफ डीओडी मॉडल इज इक्वलेंट टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? देखिए ये तो आपको याद हो जाएगा, एपीएसटी एनडीपी। बस ध्यान रखिएगा जो एप्लीकेशन लेयर है टीसीपीआईपी की वो ये, इसकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों है। होस्ट टू होस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट के इक्वलेंट है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें है जो नेटवर्क लेयर के इक्वलेंट है, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? उत्तर बिल्कुल सही पहचाना आपने, इंटरनेट लेयर है। तो यहां पर एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के इक्वलेंट है, होस्ट टू होस्ट आपका ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट आपका नेटवर्क है, और बाकी नेटवर्क एक्सेस आपका डेटा लिंक और फिजिकल कंबाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज यूडीपी, मतलब यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। आपको वो सर्विसेज देखनी पड़ेंगी जो कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विस यूज करती है, खास तौर पे जब ऑडियो वीडियो हम करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ऑडियो वीडियो मतलब यूडीपी, जहां आप बिल्कुल प्रॉपर चीजें पहुंचाना चाहते हैं बगैर एनी ब्रेकेज या बगैर एनी पैकेट ड्रॉपिंग, तो वहां पर आप टीसीपी यूज करेंगे। तो यूडीपी के बारे में बता देता हूं, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और जहां पर स्पीड, ये लेटेंसी कह सकते हैं, लो लेटेंसी है, या ऐसे कनेक्शन जो इतने स्ट्रांग नहीं है या कहें लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन है इंटरनेट पर, उसके लिए यूज होता है। तो होता यह है कि यूडीपी फटाफट ट्रांसफर, जो डेटा का ट्रांसफर है उसको तेज कर देता है, क्योंकि इसमें बार बार एक की जरूरत नहीं होती, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती। टीसीपी में हर बात पे आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो ये जहां पर टाइम सेंसिटिव कम्युनिकेशन है यूडीपी वहां यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस लुकअप, वीडियो ऑडियो प्लेबैक, यहां पर यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको, उत्तर है इसका ए, यानी कि 1, 3 और 6। तो डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एसएनएमपी और टीएफटीपी, कौन कौन सा हो गया? डीएससीपी, एसएनएमपी और टीएफटीपी। विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क आईडी? इसमें यहां पर मैं आपको टेबल से दिखाता हूं, आप देखिएगा कि इसके पास होस्ट आईडी की, ये जो बात कर रहे हैं होस्ट एड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर इसके पास 8 है केवल, है ना, इसके पास क्लास सी के पास होस्ट आईडी बिट्स 8 है, मतलब 2 की घात 8, मैक्सिमम 256, ये 254 है, तो कितना हो गया क्लास सी के बारे में? ये उत्तर क्लास सी है, यहां पर मैंने दिखा दिया, ये क्लास सी नेटवर्क एड्रेसेस हैज ओनली 8 बिट्स, कितने डिफाइन कर पाएगा? 2 की पावर 8 माइनस 2, यानी कि केवल 254 डिफिनेशन हो सकती है। इफ यू यूज आइदर टेलनेट और एफटीपी, विच इज द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा? टेलनेट और एफटीपी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या आपको टेलनेट दिख रहा है, एफटीपी दिख रहा है, किस लेयर पे है? तो आप आइए यहां पर, उत्तर इसका एप्लीकेशन लेयर ही है, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये जो एफटीपी और टेलनेट है ये टीसीपी यूज करता है, यहां पे दोनों जो है टीसीपी यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, लेकिन क्योंकि दोनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल।
Which of the following is the decimal and hexadecimal equivalents of the binary number? अब ये आप कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर बता देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उत्तर है इसका बी, जरा एक बार चेक जरूर करेंगे आप इसको। देखिए, अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में करना है तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये देखिए, इसका मतलब क्या है, ये आपका 2 की पावर 0 की बात कर रहा है, ये 1 है, ये इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये 1 है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर 0 1 हो गया। ये आपका कितना हुआ, ये हो गया, ये 2 है, ये 4 है, 4 हो गया, ये 8 भी दिख रहा है, ये आपका 16 भी दिख रहा है, फिर ये नहीं है, 16 32 64, ये आपका है 128, इनको जोड़ दीजिए आपका 157 आ जाएगा। इसी तरीके से आप हेक्साडेसिमल कर लेंगे, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, इसका मतलब यू ये 9D आएगा बेसिकली। Which statements are true regarding ICMP packets? ये तो आप ICMP का header देख रहे हैं। पहले मैं आपको ICMP बता दूं। ICMP जो है वो Internet Control Message Protocol है। ICMP का क्या protocol है? ये है आपका Network Layer Protocol है। कहाँ? Network Layer Protocol। अब इसमें क्या है? जब अगर Network Communication में कोई problem आती है, कोई issues आती है, उसके लिए है। ये ICMP का मेन काम यही है कि क्या डेटा उस जगह जा रहा है टाइमली मैनर जहां ये इंटेंडेड है, जहां ये भेजा जाना चाहिए। तो ICMP प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस में इसलिए यूज होता है, जैसे राउटर्स वगैरह में, इसी काम के लिए। खास तौर पे जो एरर रिपोर्टिंग है, टेस्टिंग है, उसके लिए आईपी ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक जो DDoS है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, वहां का उसका भी ये पता लगाता है। अब आप उत्तर बता सकते हैं, इसका उत्तर है आपका 3 and 4, यानी कि सी। तो ये तीसरा और चौथा, दे कैन प्रोवाइड होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ये मैंने आपको बताया, नेटवर्क इश्यूज, दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन आईपी डेटाग्राम। तो आप देखेंगे कि ये आईपी डेटाग्राम के अंदर है। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP ये एरर मैसेजेस के लिए होता है, लेकिन ये अपने आप काम नहीं करते। हर एक सेगमेंट या जो ICMP पेलोड है वो आपका पैकेट में या आईपी डेटाग्राम के अंदर होना चाहिए, जो आप यहां भी देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेयर्स इन द TCP/IP मॉडल? तो TCP/IP में कौन कौन से हैं देख लेते हैं पहले, आप यहां से देख के बता ही रहे होंगे। तो पहला और तीसरा और चौथा एप्लीकेशन लेयर हो गई, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, AHIN, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। उत्तर क्या है, बी है इसका। विच लेयर 4 प्रोटोकॉल इज यूज फॉर टेलनेट कनेक्शन? लेयर 4 प्रोटोकॉल कौन सा टेलनेट के लिए यूज होता है? तो सीधा इसका आंसर बी कर दीजिए आप। टेलनेट TCP और IP दोनों यूज कर रहा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने लेयर 4 के बारे में पूछा है, तो IP जो होता है वो लेयर 3 पे काम करता है। तो टेलनेट क्या यूज कर रहा है फिर, लेयर 4, मतलब एट लेयर 4 TCP हो गया। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ICMP पैकेट्स? ICMP के बारे में हमने बात कर ली, तो अब इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर दे देंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सीधा आंसर पे आते हैं, उत्तर इसका बी है, 2 और 3। ICMP जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, और इसको आपको आईपी डेटाग्राम के अंदर ही इनकैप्सुलेट करना पड़ता है, अंदर ही ये रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCP/IP प्रोटोकॉल्स यूज्ड एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल? तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, यहां पर देखिए इसका उत्तर अब आप बता सकते हैं आराम से। इसका उत्तर है सी, यानी 3, 4 और 5, टेलनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TFTP। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस? इसके लिए कौन सा यूज होगा, देखिए यहां पर आएगा ARP। उत्तर क्या है इसका, ARP। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका उत्तर ARP है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है,
और ये पता करता है मैक, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, कहां से? उसके आईपी एड्रेस से ये मैक पता करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, ये कब यूज होता है? जब एक डिवाइस कोशिश करता है या बात करना चाहता है किसी और डिवाइस से, डिवाइस वन डिवाइस टू, कहां पर? लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर ईथरनेट। यहां पर आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से एआरपी पता कर रहा है, कहां से? ये पता करता है आईपी एड्रेस से मैक। तो एआरपी हार्डवेयर एड्रेस यानी कि मैक, कहां से? आईपी एड्रेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूजेस बोथ टीसीपी एंड यूडीपी? टीसीपी और यूडीपी कौन यूज करते हैं? इसमें उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर है डीएनएस। डीएनएस, ओके, डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये डीएनएस यूज करता है टीसीपी, इसके लिए जोन एक्सचेंजेस के लिए, सर्वर अगर ये सर्वर वन है सर्वर टू है तो जोन एक्सचेंज करने के लिए टीसीपी यूज करता है। और यूडीपी यूज करता है जब एक क्लाइंट चाह रहा है कि भाई किसी तरीके से होस्ट नेम को आईपी एड्रेस से रिजॉल्व कर सके, तो वहां पर वो यूडीपी यूज करता है डीएनएस। व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ क्लास बी नेटवर्क एड्रेस इन बाइनरी? यहां पर आप देख रहे हैं क्या, क्लास सी देख लीजिए और यहां देख लीजिए, इसको आपको बाइनरी में बताना है। तो उसका जो रेंज है क्लास बी का, जैसे मैंने आपको बताया क्लास बी पूछा है, क्लास बी इधर, तो ये देखना पड़ेगा क्लास बी। तो क्लास बी का कितना है? 128 से लेकर 191, तो मतलब बाइनरी कितना हो गया इसका? 10 बाकी XXXX, तो ये हो गया इसका सी आंसर। ओके, अब आगे भी हमारे पास काफी क्वेश्चन है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।